मस्जिदों को आबाद रखो। सोचो थोड़ी देर के लिए सामने जाओ जी कि तुम आज आदमी मोटरसाइकिल पर हरा झंडा लाकर निकल रहे हो, क्या तुम सिर्फ रबी लाल के महीनों में पुकारोगे उसके बाद भूल जाओगे दीन को? चले आओ सामने, कम से कम नमाज की मस्जिदों को आबाद तो रखो। ईशा की नमाज में मस्जिदें वीरान नजर आती हैं, वही जईफ अफराद बेचारे अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ही 8-10 लोग बैठे रहते हैं, कोई नौजवान नजर नहीं आता। जुमे की नमाज का माशाल्लाह मामला ऐसा है कि इमाम साहब खुतबा देने शुरू करते आप जाके नमाज शुरू करते रहे, खुतबे की अजमत समझो। जब खुतबा दिया जाता कोई नमाज नहीं पढ़ना होता। मेरे भाई यही चीज यही दीन इस बात का मुतालबा करता है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, दीन पर चलो। यही गुलामी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यही सही मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मोहब्बत नहीं है कि सिर्फ झंडा लगाकर नारे मार दिए और समझ गए कि हमने दीन नबादा कर दिया, ये क्या नामा अमल में आने वाला है? यकीनन तुम्हारी मोहब्बत लिखी जाएगी, मगर नमाज का क्या होगा, इल्म हासिल करने का क्या होगा, इंसान के हुकूक का क्या होगा, ये तो पूछना पूछोगी इन लोगों की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें मुझे इख्तसार के साथ आपके सामने रखना था। मेरे फोन में और एक आखिरी बात कहता हूँ कि मुल्क में जो हालात है इससे डर घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो मेरी बात को। ये लोग, ये संघ परिवार के लोग, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग जो एक गाय के नाम पर हमको मार रहे हैं ना, तुम याद रखो तुम हमको नहीं मार रहे हो बल्कि तुम हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हो। तुम एक मुसलमान को मार कर उसकी जान तो ले रहे हो, पर याद रखो तुम हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हो, उसकी बुनियादों को तुम खोखला कर रहे हो। दो दिन पहले हरियाणा बागपत में ट्रेन में मदरसे के 3 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया, चाकू मारा गया कि उनके सर पर टोपी थी, और ये उनसे मार मार कर कह रहे थे ये जालिम लोग कि टोपी तुम्हारे सर पर क्यों है। अरे याद रखो यही सर पर टोपी पहनने वालों ने, अल्लामा फजले और कहराबादी ने इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा फजले और कहराबादी ने सुनो, जो लोग जिन्होंने हमारे उलमाओं को ट्रेन में मारा इसलिए कि सर पर टोपी पहन रहे थे, सुनो मेरी इस बात को कि जिसने सर पर टोपी पहनी उसने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने काला पानी की सजा को कबूल किया अपनी जान दे दी, और तुम्हारा सावरकर जेल में बैठकर 9-9 मरतबा अंग्रेजों से माफी के भीख का खत लिखता था। तुम सर पर टोपी पहनने वालों को बागपत में मारे तो सुनो कौन थे जो वो लोग जो अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे? उलमाए कराम थे जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। कौन थे जौहर ब्रादरान, मौलाना आजाद, ये कौन थे? यही लोग थे जिनके सरों पर टोपियां थी, जिन्होंने सर पर टोपी पहनकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। हाँ, जो आज हमको सर पर टोपी पहनने पर मार रहे ये वही लोग हैं जो उस वक्त चड्डियां पहनते थे आज पैंट पहन रहे। आरएसएस के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों से मुकाबला नहीं कर रहे थे, हम मुकाबला कर रहे थे अंग्रेजों से, बहादुर शाह जफर ने मुकाबला किया। तुम लोग कहां थे? तुम लोग अंग्रेजों के पैरों के पास बैठकर उनके तलवों को चाट रहे थे, तुम उनकी गुलामी कर रहे थे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत की मिसाल, इस मुल्क से वफादारी की मिसाल इस तरह दिए कि हमने अपने खानदानों को मिटा दिया, हमारे सामने हमारे बेटों की लाशों को लाकर रखा गया, कटे हुए सर को लाकर रखा गया, तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको आप मार रहे हैं, गाय के नाम पर हमको मार रहे हैं, और नेशनलिज्म को कैसे जोड़ रहे हैं, कौमियत को कैसे जोड़ रहे हैं कि जो इनके सोच पर चलेगा वही नेशनलिस्ट है? नहीं, मैं हिंदुस्तान की नेशनलिज्म को मानने को तैयार हूं, मैं हिंदुत्वा नेशनलिज्म को मानने को हरगिज तैयार नहीं, हिंदुस्तानी नेशनलिज्म को मानने को मैं तैयार हूं,
हिंदुत्वा नेशनलिज्म को नहीं मानने को तैयार हूं मैं। जो लोग कहते हैं ये नारा क्यों नहीं मारते, अम्मा का नारा मारो, तुम मारो अम्मा का नारा, कौन रोक रहा है, जमहूरियत से मारो। हम तो शुरू से कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि अब्बा का मुल्क है ये। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला कदम यही रखे, जब अब्बा यहां पर आए तो बाप की जागीर हुई नहीं। आप अम्मा का है बोलो, मैं बाप का बोलूंगा, बाप बड़ा है अम्मा बड़ा है दुनिया बताए। नहीं, अम्मा का नारा नहीं मारते, इसीलिए हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। आप उसमें आप कहते हैं आपका फिदा होगा, कौन बोल रहा है समझ, इसको नेशनलिज्म से कैसा जोड़ते आप कि गोबर की कीमत सोने से बढ़कर है, तो जाकर सोने की दुकान पर बेचते क्यों नहीं भाई, जाकर बेचो ना, 28-21 हजार रुपये तोला हो गया, बेचो बोलो ले लिए, कितने में लेता पूछो कीमत मालूम हो जाती है आप हमारे ईमान का सौदा करने आ रहे हैं। हमसे कह रहे हैं कि अल्लाह के घर पे कॉम्प्रोमाइज कर दो, और जो लोग कर रहे हैं मैं उनको इतना ही बोलूंगा, नाम लेकर अपनी जबान को खराब नहीं करना चाहूंगा, याद रखो ये दुनिया खत्म होगी तुम ही मुझे जाना है दुनिया से, ये दुनिया फना होगी जब हशर के मैदान में हजरत ज़ैनब होंगी, इमाम हुसैन होंगे, हजरत कासिम होंगे, हशर के मैदान में जब बीवी फातिमा होगी, तुम क्या सूरत दिखाओगे उनके सामने, तुम यही बोलोगे क्या कि मैंने अल्लाह के घर का सौदा किया था, क्योंकि वक्त का फिरौन ताकतवर था, यह इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाला यजीद था, मैंने डर के मौजूदा यजीद से समझौता कर दिया। सोचो थोड़ी देर के लिए, जब हुसैन का नाम लेते हो हम भी इमाम हुसैन के नाम लेवा है, और हम हुसैन का नाम इसलिए लेते हैं और मरने तैयार हो जाते इसलिए, क्योंकि इमाम हुसैन ने हमको और आपको सिखाया कि जालिमी से समझौता नहीं किया जा सकता, वक्त के यजीदों से पंजा आजमाई करना है, नतीजा क्या निकलेगा वो तो अल्लाह को मालूम। करबला का दर्श यही है कि कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी यह है कि हक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। ये काम हमको और आपको करना है मेरे भाई, अपने आप को मुत्तहिद रखिए, अपनी जमात मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए, और तमाम ललचाई नजरों से ये फिरका परस्त ताकतें, ये संघ परिवार, ये बीजेपी, ये मुनाफिकीन, ये मीर सादिक और मीर जाफर के मौजूदा एजेंट, ये तमाम उनके तमाम देखने के हैदराबाद से कैसा पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस को कमजोर किया जाए। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते को बैर में हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हमको कामयाब किया, अल्लाह ने तूफानों में हमको कामयाब किया, अल्लाह ने जालिमों के लश्करों में हमको अल्लाह ने कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला हर बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाब करेगा। ये इनका हाफ हाफ ही रहेगा। जो लोग आज बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, मेरे भाई मंसूबे क्यों बना रहे, अपने बाप को बोलो यहां से मुकाबला कर लो मैं तैयार, क्यों तुम इनको इनको तैयार कर रहे, जो तुम्हारा मेन बाप है ना, तुमको अपने बाप को नहीं मालूम, तुम्हारा बाप को नहीं तुम्हारा अपना सियासी बाप मालूम, उसको बोलो यहां से आओ, यहां से आकर मुकाबला करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने अपने इख्तलाफात हो सकते हैं उस नजरअंदाज करिए, मुल्क पर नजर डालिए, मुल्क के हर कोने में कहीं ना कहीं बात पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाकयात पैदा किए जा रहे हैं, हमको चौकन्ना है, जरूरत है, हो सकता है कि इख्तलाफात
वाजिब बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, उसको बैठिए हल करिए, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको इतनी हद तक पकड़ा दीजिए कि खून खराबे की नौबत ना आ जाए। महाराज जी चले हम गुजारिशात मैं इख्तसार के साथ आपके सामने रखा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर मौजूद उलमाए किराम है, इनके मस्जिद और फ्रोज किताबात को सुनना है और एक लंबे अरसे के बाद कादरी साहब से मुलाकात की है, तो मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुभान व तआला आज के जलसा मुनक्कद करने वालों की इस कोशिश को अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके तुफैल में उसको कबूल करे और इनकी हर नेक मकासिद में अल्लाह उनको कामयाबी दे। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आप शेख इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ वो गैरत का रसूल।